पहले अपने पास स्कूटी थी, आज अपने पास बाइक है, तो यार तब्दीली तो आई है जिंदगी में। ये टैंक पे ये डेंट दिख रहा है। हाय वेलकम मंडे। तो सबसे सही मेरे को इसका लगा। एक ऐसी चीज मैं लगाने वाली हूँ कि आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। तो आज दो तीन काम करवाने हैं। एक तो आज अपनी बाइक में नया क्रैश गार्ड लगेगा और नए फोग लैम्प्स लगेंगे, क्योंकि ये वाले फोग लैम्प्स जब लगवाए थे ना तो इसकी इंटेंसिटी जितनी उस टाइम पे थी अब वो उतनी नहीं रही है। मे बी नकली वाले लगा दिए या फिर जो भी है। ठीक है, इनको आज चेंज करवा लेंगे। ऑल दो है वो HJG वाले, दो ही महीने हुए हैं बट इंटेंसिटी पहले से कम हो गई है। एंड अगर टाइम मिला तो आज इस पर थोड़ी बहुत अपनी नाम की ब्रांडिंग भी करवा लेंगे, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखवा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलो फिर निकलते हैं फटाफट। रुको रुको रुको, निकलने से पहले एक चीज और दिखानी है मुझे, एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि मैंने नया मैकबुक खरीद लिया है लद्दाख राइड के लिए, मैकबुक एयर M2। ये मिडनाइट कलर है, ये मुझे पड़ा है अराउंड 1,10,000 का। और मैंने इसका इंश्योरेंस भी लिया है 3 साल का, एप्पल केयर वाला। उसमें हर एक डैमेज उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि राइड पे तो लेके जाना ही है इसको। अब राइड पे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी भी चिंता खत्म हो। तो मैकबुक खरीदने का रीजन ये है कि अभी तक मैं फोन से एडिट करते आई हूँ, बट मैकबुक से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है भले ही, बट अच्छा एडिट होता है एंड क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। तो मैंने सोचा कि फोन खरीदने से पहले मैकबुक खरीद लिया जाए ताकि क्वालिटी अच्छी आए वीडियो की। अभी मेरा फोन 0.5 पे काम कर रहा है, काम चल रहा है इससे, तो इससे हम थोड़े टाइम और काम चलाएंगे। और पहले जो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने पहले ले लिया। तो ये देखो अपना मैकबुक एयर। उससे पहले मेरे पास ये लैपटॉप था लिनोवो का, ऑल्दो ये टच स्क्रीन है, जैसे मान लो हमको क्रोम चलाना है तो ये क्रोम चल गया, बट इसमें थोड़ा इशू होता था एडिट करने में। और ये i5 था तो थोड़ी दिक्कत तो होती थी, तो हमने मैकबुक ले लिया है और अब निकलते हैं। मौसम तो यार एकदम से धूप चली गई, ठंडा तो नहीं हुआ है खैर, बट 42 डिग्री से 40 डिग्री हो गया है। तो यार एक चीज मेरे दिमाग में थी, आप बताना कितना सही है वो आइडिया या नहीं है। जैसे इसका बाइक का डिस्प्ले ये वाला फ्लिकर करता है ना, मतलब नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो फ्लिकर नहीं करता है वो, बस कैमरा में ऐसा दिखता है, थोड़ा FPS का चक्कर है ऊपर नीचे। तो आजकल वो जो मार्केट में आए हुए हैं ना एप्पल कार प्ले वाले स्क्रीन, तो ये हटवा के क्या मैं वो फिट करवा लूँ इसमें? अगर वो फ्लिकर ना करता हो तो कैसा रहेगा? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अभी इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलूंगी ना, आगे जाके लेफ्ट लूंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यार दूध का दूध तो नहीं हुआ बट पानी का पानी हो गया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, ये देख रहे हो। और बाइक अपनी ऐसे ही ले आई मैं गंदी के गंदी, अब साफ हो जाएगी बारिश में। तो यहाँ से अभी मुझे 15 मिनट और लगेंगे। सबसे पहले मैं राइडर्स प्लैनेट जा रही हूँ नारायणा वाले, क्योंकि वहाँ पे आएगा अपना क्रैश गार्ड, वहाँ से हम अपना क्रैश गार्ड फिट करवाएंगे, उसके बाद हम करोल बाग के लिए निकल जाएंगे। ट्रेन जाते हुए तो यार बारिश रुक गई है। अच्छा तो ये रेलवे ट्रैक है ऊपर, अब पता चला मुझे, बड़ा अंधेरा है। आ गए हैं अपन राइडर्स प्लैनेट पर, इधर ही लगा देते हैं फिलहाल। हाय हेमंत, हाउ आर यू? नो स्टाफ टुडे? नो स्टाफ। हाय। तो ये देखो यार, है ना सेम टू सेम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम राइडर्स प्लैनेट आई थी ना, तो मेरा स्कूटी से हिमाचल जाने का प्लान था, तो मैंने राइडिंग ग्लव्स खरीदे थे और वाइट एरा के सैडल बैग्स खरीदे थे। और आज जब मैं आई हूँ तो मेरा प्लान है बाइक से लद्दाख जाने का। पहले अपने पास स्कूटी थी, आज अपने पास बाइक है, तो यार तब्दीली तो आई है ज़िंदगी में। तो इस पे जो ये पुराना जाना वाला लगा हुआ था ना, ये डैमेज हो गया असल में उस एक्सीडेंट में, तो इसने पूरा मुड़ के क्लच दबा दिया था उस टाइम पे। और ये टैंक पे ये डेंट दिख रहा है हल्का सा, ये भी आ गया था। तो अभी हम ये हटा के मोटर टॉक लगवा रहे हैं, यहाँ से भी मुड़ गया है पूरा, देखो ये वाला पार्ट। सो यार नया क्रैश गार्ड मोटो टोक का हमने लगवा लिया है। नई नई चीज लगवाते हैं तो नई वाली फीलिंग तो आती है। तो क्रैश गार्ड फाइनली इंस्टॉल हो गया है, अभी हम करोल बाग के लिए निकलते हैं। डोगू लोग चिक मैग्नेट होते हैं, मैं डॉग मैग्नेट हूँ। हाँ जी बिठा ले तुमको भी। हेलो हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पुश 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 पुश, चलो जाने की इजाज़त दे दो अब हमको। नहीं दोगे? दे दो यार, लेट हो रहा है हमें।
तो यार अभी 5:02 हैं और अंधेरा देख रहे हो कैसा हो गया है, हवा चल रही है भाई साहब। बारिश तेज वाली हो ही गई, बट अब जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं, बारिश होए चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अपनी नेक्स्ट राइड पे जाने का और काम बहुत सारे हैं जो करने बाकी हैं अभी। तो अभी सारा काम मुझे भीगते भीगते ही करना पड़ेगा, कोई नहीं। ट्रायम्फ ट्रायम्फ बाइक फैक्ट्री, आगे जाके शायद कावासाकी का, हाँ ये तो ना कावासाकी का शोरूम भी है। आई विल कम वन डे बाइक लेने। एक तो फॉग लैंप्स लगवाने हैं और एक मुझे मिरर बड़े पसंद आ रखे हैं, अगर वो स्टॉक में होंगे तो वो मुझे लगवाने हैं। और तीसरी चीज़, हमको इस पे अपनी बाइक का नाम यहाँ पे लिखवाना है पंछी, और अपने चैनल का नेम लिखवाना है इधर उधर, ताकि हम जाएं लद्दाख या फिर हम कहीं भी जाएं तो लोगों को पता चले कि स्वाति रोजा आई है आपकी अपनी प्यारी प्यारी राज दुलारी। तो यार अपनी अपकमिंग राइड वैसे तो लद्दाख की होने वाली है, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि हमें जिस दिन निकलना है ना तब तक लद्दाख के सारे पासेस नहीं खुले हुए, तो हम आधे रास्ते से ही स्पीति के लिए मुड़ जाएंगे। वो फिर उसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि हमें श्रीनगर जाना है या मनाली जाना है। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से हवा चल रही है, तो बारिश की बूंदें इतनी ज़ोर से मेरे हाथों पे आके गिर रही है ना, चुभ रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। ये है असली एडवेंचर कि एडवेंचर बाइक को लेकर बारिश में चलाओ। तो यार ये अपने पंछी की पहली बारिश है, कंग्रेचुलेशंस पंछी। करोल बाग में एंट्री मार ली है हमने, यहाँ पे बारिश में भी उतनी ही भीड़ है, बारिश में भी सबको अपना काम कराना है, पर क्या ही गलत है उसमें, मुझे भी तो कराना है, नहीं जाना है क्या अपने को। पानी भरा हुआ है यार। ये कितने वॉट के हैं? ये 20 वॉट में आने वाली है, मिनी ड्राइव वर्जन 2 आने वाला है। और इसमें आपको 8 मोड्स मिलेंगे एक ही लाइट के अंदर। इसमें फ्लैशिंग मिल जाएंगे आपको सारे कलर में और स्टिल है, बाकी मैं लाइट आपको जला के चेक करा। हाँ, चेक करवा दे रहा हूं। ये मेटल बॉडी में, ये इसमें फ्लैशिंग में आपको रेड मिल जाएगा, ठीक है, येलो मिल जाएगा, ठीक है, वाइट, ये आपको थोड़ा सा वाइट एंड येलो ड्यूल कलर, ठीक है। और स्टिल में भी मोड्स मिलेंगे आपको, रेड डेविल आई मिलेगा फर्स्ट, सेकंड येलो, वाइट, वाइट एंड येलो ड्यूल कॉम्बिनेशन। ये 20 वॉट में है और प्राइस आएगा 1300। इतने सारे मोड्स, बड़ी 60 वॉट में भी आता है? 60 वॉट में फिर आपकी हार्नेस ऐड होगी। और 60 वॉट में मिलने वाले हैं सीलेंस, इसमें फैन इन बिल्ड है, फैन लगे हुए हैं। और फिर आ जाती है मोस्ट डिमांडिंग लाइट जो कि मर्सिडीज आती है, ठीक है। और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल चल रही है वो HGG 124 मॉडल, जिसमें आपका डिपर ऑप्शन है और हाई लो पॉइंट है, इसमें वाइट एंड येलो डबल कलर है और इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। एक बार चला के दिखा दो, चलाती आपकी 60 वॉट, इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है। और बाकी ग्लास रिमूव कर दोगे तो ये वाइट हो जाएगी, तो ये वाइट हो जाएगी। ये 60 वॉट में आएगी थ्री लेंस, इसका स्पेड बहुत अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस लाइट है। और इसका ये येलो, ओके, तो ये मर्सिडीज वाली, ये मर्सिडीज है, ये सिर्फ नाम से ही बिकती है मर्सिडीज। ये इसका वाइट हो गया और येलो, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस वाली है ना। हाँ, तो ये है HGG 124, रिली ब्लास्टर भी आता है ताकि इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल रहे, ठीक है, ओके ओके। मैं आपको चला के चेक करा, इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें डिपर यूज कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है, ये डिपर है, हाँ। ये आपका येलो हो गया, इसका पूरा स्पेड हो के जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका वाइट हो गया, ओके। और डिपर यूज करना है तो आपको ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके ओके ओके। तो सबसे सही मेरे को इसका लगा, तो आप ये लगवा दो मेरी में, ठीक है। अपने को बाइक नहीं आती,
पी के भी चला लेता था मैं बाइक टॉक स्पीड में। अपना फेमस डायलॉग तो बोलो। अरे गाड़ी ऐसी ना जाने कैसी, ये डायलॉग है मेरा। हांजी पाजी अच्छा, ये जो वायरल हुआ था, हांजी पाजी किद्दा आ गई है मार्केट में हिमालयन की स्वाति रोजा बाइक। स्वाति रोजा बाइक, स्वाति रोजा इस बाइक का नाम है। ये तो पता है मुझे, ये देखो। अच्छा पंछी, पंछी स्वाति रोजा भी लिखा है। वो तो मेरे चैनल का ट्रेंड चल रहा है, पंछी लाडो अपना लाडो, और किसी ने लिखा है बम्बल बी। अच्छा हाँ, डैट करेक्टर आईयूपीयू ने बम्बल बी। बम्बल बी तो बहुतों ने बाइकों का भी नाम रखा है अपनी, बहुतों ने। मुझे लगा फर्स्ट टाइम सीजेंट आया। ना ना ना, मैं पहले जब बाइक चलाता था ना एंटाइसर थी। अच्छा, तो मुझे ना एक फरदीन खान का गाना था, हो 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 गुड मॉर्निंग इंडिया, ऐसे चला के मैं खड़ा हो जाता था, मैं अपने आप को फरदीन खान बन जाता था। इतनी ज्यादा मेरे अंदर क्रेजीनेस थी बाइक, गाड़ी थी नहीं तो बाइक ही बाइक सब कुछ थी, करते करते। और हाइट छोटी थी, अगर पलटे तो पैर रख लेता था, एंटाइसर की हाइट छोटी थी, इसको देख के खड़े होके चलाते थे, मतलब सैडलिंग सैडलिंग करके। अभी नहीं, कितने साल बाद चलाई, लेकिन मैं डरा खड़े होने में, मेरा झाका खुला हुआ है। टेस्ट राइड चाहिएगा फ्रेंड्स? क्या टेस्ट राइड? पापा के साथ। हाँ तो क्या अकेले अकेले जाना है? इसको भरोसा नहीं है आप पे, चाचू के साथ चले जाओ। उसको भरोसा नहीं है आप पे। तो यार मैं फ्यूजन कार्स आई थी एक बार, क्योंकि मुझे गौरव भैया से कुछ काम था। ओके बाय 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 बाय। चलो तो अभी टाइम ना अराउंड 10 बज रहे हैं और मुझे घर पहुंचने में भी अराउंड हाफ एन आवर लगेगा, तो आज का दिन भी अपना पूरा निकल गया लद्दाख की प्रिपरेशन करते करते। और 3-4 काम और है इसमें, ऑर्डर तो मैंने करा हुआ है, शिप भी हो गई है, वो चीज़ें बस एक बार राइड से पहले रिसीव हो जाएं और वो हम इसमें फिट करवा के और फटाफट निकलें, फिर मज़ा आने वाला है। बट इस बार एक ऐसी चीज़ में लगाने वाली हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। ये देखो वाटरफॉल, दिल्ली का वाटरफॉल। और यार दिन में ना बारिश में मैं पूरी भीग गई थी, और अभी इतना टाइम हो गया है ना उस बात को भी कि मैं पूरी सूख गई हूँ। और यहाँ पे एक बार टेस्टिंग हो जाए अपनी फॉग लाइट्स की। ये देखो ये येलो वाला है और ये वाइट वाला है, और ये डिपर है, डिपर भी है इसमें। बाकी बिल्कुल जिस रोड पे अंधेरा होगा ना, अगर रास्ते में ऐसा कोई रोड आया तो वहाँ भी हम आपको टेस्ट करा देंगे। तो यार यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पे टेस्ट करते हैं अपनी फॉग लैंप्स को। ये हमने बाइक करी ऑन, ये है येलो थ्रू, ये है वाइट थ्रू, और ये येलो के साथ अगर हम पहले वाली लगी हुई भी जला दें तो ये कुछ ऐसा लगता है। तो यार अब अपनी बाइक में दो दो फॉग लैंप्स हो गए हैं, ये 20 वॉट की है, वो 60 वॉट की है, तो ये टोटल मिला के 80 वॉट्स हो गया है। और यहाँ पे हमने अपना नाम लिखवा दिया, और इधर भी लिखवा दिया, और एक यहाँ पे लिखवाया है, और एक ये सेम इस साइड लिखवाया है, ताकि अब जब मैं किसी भी राइड पे जाऊँ तो कोई भी अगर देखे तो पता चले कि मैं आई हूँ। तो जहाँ जैसी नीड पड़ेगी, जहाँ जिस लाइट की नीड पड़ेगी उस अकॉर्डिंग जला लेंगे, 20 वॉट, 60 वॉट या 80 वॉट, व्हाटएवर। तो यार फॉग लैंप्स अब अपने मस्त काम कर रहे हैं एकदम। दो चीज़ें और आई हैं, नहीं मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है। ये वाइटेरा के विंटर ग्लव्स लिए हैं, विंटर वाले नहीं थे मेरे पास, निकाल के दिखाती हूँ अभी। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मॉडल मेरे को एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। ये मैंने चोपड़ा हेलमेट से लिया है, इसको भी टेस्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आई है वो है ये, ये है गार्जियन गियर्स का टैंक बैग, इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है। ये शायद 18 या 15 लीटर समथिंग है, और ये मैग्नेटिक है, ये रहे इसके मैग्नेट्स। सो इस राइड से पहले ना खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि यू नो और वीडियो को आगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है यार, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।